हेलो तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आदिपूष मूवी के बारे में इस मूवी को बहुत ही ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा है क्यों वो जानेंगे आगे चल के कि क्या है वो रीजन और एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए तो दोस्तों शुरू करते हैं तो अगर मूवी के बारे में बात करें तो जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था उस समय पर लोगों ने तीन चार चीजें गिनाई थी डायरेक्टर्स को कपड़े का ढंग से अरेजमेंट करो ये क्या चमड़े का कपड़ा पहना दिया डायरेक्टर्स ने ओके वो ठीक करेंगे हनुमान जी का लुक प्रॉपर नहीं था रावण का लुक प्रॉपर नहीं था और ईवीआई बहुत ही ज्यादा वाहियात थे जिसको लेकर के जितने भी वीएफ आर्टिस्ट है मतलब जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उन्होंने दबा करके वीडियो बनाए उनकी जेनुअन थी वीडियो तो भाई मजा आया वो चीज देख करके लेकिन डायरेक्टर्स ने बोला भैया चलो ठीक है हमारे वेफ पे अच्छे नहीं है हम टाइम देंगे और अपने वेफ को भी इम्प्रूव करेंगे फाइने मूवी रिलीज होती है और उसके बाद इस मूवी को इतना ज्यादा बैक्राइज झेलना पड़ता है कि भाई पूछो मत क्योंकि अब इस मूवी के अंदर वीएफएक्स छोड़ो कपड़े छोड़ो हनुमान जी का लुक छोड़ो डायलॉग इतने वाहियात है कि भैया लोगों को हजम नहीं होगा कि यार ये रामायण मूवी है मनोज मुताशिर जी कहते हैं कि यार ये रामायण मूवी है ही नहीं हमने तो इंस्पिरेशन नहीं है हमने तो एक छोटा सा पार्ट भेजा रामायण का और वो चीज लोगों को दिखाई है और ताकि पब्लिक अच्छे से कनेक्ट कर पाए उसके वजह से मैंने सिंप्लीफाई करके डायलॉग्स को लिखे एग्जाम्पल के तौर पर हनुमान जी के पूछ में जब आग लगाई जाती है तो मेघनाथ हनुमान जी को कहता है की जली ना अभी तो तेरी और जलेगी तो उसके जवाब में हनुमान जी का क्यूँकी नटखट सा स्वभाव है ऐसा मनोज जी कहते हैं तो वो इससे डायलॉग उन्होंने वैसा लिखा कि ठीक है भैया जगह तेरे बाप की तेरे तेरे बाप का आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की क्यों ताकि आज के लोग आज के बच्चे जो की ज्यादातर इंस्टाग्राम पे अपना समय व्यतीत करते हैं हैं यूट्यूब पे व्यतीत करते हैं तो वो तो मूवी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए और मूवी को अच्छे से समझ पाए इसे डायलॉग को सिंप्लीफाई कर दिया गया तो राइटर्स ने और डायरेक्टर ने सोचा कि अगर हम इस तरीके से मूवी को बनाएंगे तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी हमारी मूवी नंबर वन हिट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएंगे नो डाउट मैं कहता हूँ यार ये मूवी अपनी कॉस्टिंग एक पर रिकवर कर भी ले लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी ये मूवी अपनी छाप तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएगी लोगों पे और ना ही ये मूवी अपना नाम इतिहास में दर्ज करा पाएगी क्योंकि ये मूवी इतनी बाहर तरीके से बनाई गई है और मनोज जी का परसेप्शन काम नहीं किया ना ही मनोज जी के डायलॉग्स काम किए तो कहीं पे राम जी देखो कहीं कहीं पे राम जी के डायलॉग्स अच्छे हैं लेकिन पूरी मूवी में कंटिन्यू रखा जा सकता था लेकिन और वी भी बहुत ही भाईयात है तो मूवी को देखकर करके ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन ली गई है से जहाँ पे तम भी साज उस मूवी को छोड़ करके अब राम जी से युद्ध करने के लिए आ गए हैं। रावण को जब महल बनाता था तो रावण ने इंस्पिरेशन दी थो लगना से उसने बोला भैया मैं ऐसा महल बनाऊंगा मुझे तो आज के मॉडर्न जमाने का महल चाहिए तो क्यों ताकि बच्चे आज के जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इस मूवी के साथ कनेक्ट कर पाए और बोले अच्छा ये मूवी ये ऐसा तो हमने महत्व में देखा था तो यस अब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये इस तरीके की डायलॉग्स और इस तरीके के इस मूवी में आपको देखने को मिलते हैं तो हाथ जोड़ के आपसे बिना निवेदन है अपने बच्चों को ये मूवी बिल्कुल भी मत दिखाना और बहुत ही बढ़िया चीज की गई है कि आप किताबों को पढ़ो क्योंकि जब आप किताब को पढ़ते हो तो आप अपने डायरेक्टर स्वयं होते हो कि आपको वहां पे किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना है अपने माइंड में और आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो सारी

हो गए और भाई इन्होंने रामायण को अच्छे से स्टडी किया और आज भी मैं बोलूंगा कि वो एनिमेटेड मूवी आप देखोगे ना भाई आपको बहुत मजा आएगा अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में उस मूवी को थिएटर्स में रिलीज नहीं होने दिया गया लेकिन हर कोई उस मूवी की तारीफ कर रहा है और यहीं पे रामानंद सागर के रामायण की भी बहुत तारीफ हो रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको हनुमान भक्त मूवी देखनी ही है तो थिएटर में वो इस समय चल रही है और वो आदि नहीं है वो दूसरी मूवी है हॉलीवुड की आप उसे जाकर के देखो और उस मूवी का नाम है द फ्लैश अब आप बोलोगे कैसे तो उसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में लेकिन गाइस मैं सीधे से, से बोलूंगा ये अपने बच्चों को ये वाली मूवी बिल्कुल मत दिखाना क्योंकि आपके बच्चे तो वैसे ही इन चीजों पर ध्यान नहीं देते ऊपर से इस मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसेंगे कल के डेट में कोई उनके सामने आपके देवी देवताओं का मजाक उड़ाएगा तो जाहिर सी बात है उनको भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बोलेंगे हाँ यार यही तो हुआ अभी स्क्रीन पे ये तो देखा मैंने यही तो देख के आ रहा हूँ तो गाइज बस यही था इस मूवी के अंदर में तो अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस और यस ये मूवी आपको फुल हंसाएगी तो इस चीज की गारंटी तो मेरी की यह मूवी आपको फुल हंसाएगी तो टाइम पास करना तो मूवी को देख सकते हो बाकी चॉइस आपकी है आप देखो डिसाइड करो ये मूवी देखने लायक है या नहीं मैं मिलूँगा आपसे वीडियो में चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए बाय दोस्तों